एवरीवन, हमारे पास काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आपने ये तो बता दिया कि सेंगेज की बुक्स जो है वो जेई के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उनको करना कैसे ताकि हमारा भी जेई क्रैक हो जाए, तो वो तो बताया ही नहीं। तो उसके लिए हाँ, जैसा आपकी डिमांड वैसा हमारा काम। तो हम आप लोगों के लिए ये बताने के लिए आ गए कि सेंगेज में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कौन कौन सी किस केस में करनी चाहिए और कब सेंगेज आपको सॉल्व करनी है। तो बिना किसी देरी के डिटेल रिव्यू को शुरू करते हैं। अब मैंने अपने टाइम पे सेंगेज की मैथ्स की बुक्स को तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर के लिए सॉल्व किया ही था। फिजिक्स की बुक्स को मैंने कुछ चैप्टर्स को इसमें से किया था और कुछ चैप्टर्स को फिजिक्स गैलेक्सी में से किया था। और बेसिकली केमिस्ट्री के लिए मैंने हर चैप्टर में सेंगेज को यूज़ किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा बहुत ही करता था। बाकी अब कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स की मैं एज एन एग्जाम्पल लेते हुए आपको बताऊँ तो फिजिक्स के चैप्टर्स के लिए आपको सबसे पहले तो थ्योरी जो होती है सेंगेज की, बहुत ही ज़्यादा क्लासिक थ्योरी, अल्ट्रा क्लासिक थ्योरी दी हुई है, बिल्कुल जो जेई के लिए रेलेवेंट है वो ही दिया हुआ है। हाँ, ये जरूर हो सकते हैं कि जो जेई में पूछा जाता है वो देने के साथ साथ इन्होंने उसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हो, लेकिन जेई एडवांस से बिल्कुल नीचे लेवल की भी नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर लेवल की नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट जेई मेंस और एडवांस लेवल की थ्योरी आपको दी होती है। तो थ्योरी तो आपको इससे पढ़ लेंगे तो आपका बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आपके इलस्ट्रेशंस आते हैं। अब सेंगेज की जो मुझे बेस्ट बात लगती थी वो लगती थी फिजिक्स और मैथ्स के इसके इलस्ट्रेशंस, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके इलस्ट्रेशन दिए। तो इलस्ट्रेशंस तो आप सभी को सारे करने कंपलसरी है। बाकी अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल लगता हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोटेशन मुझे रिलेटिवली शुरुआत में थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लगता था, या फिर मॉडर्न फिजिक्स में मुझे लगता था कि मुझे प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, टॉपिक तो आसान है लेकिन प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसे जो टॉपिक्स आपके वीक हो या फिर आपको समझ में कम आए हो या फिर आपको लगता है कि आपको समझ में भी आ गया लेकिन प्रैक्टिस और कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, तो उनके लिए आप कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। मैं कहूंगा आप और जैसे टोटल 100 कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस मान लीजिए बुक में, तो आपको सिर्फ 10-20% ही उसमें से करने की जरूरत है, बाकी को आप छोड़ देंगे तो बेटर रहेगा, वो आपकी सिर्फ कुछ टॉपिक्स की एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए होते हैं। लास्ट में होते हैं सॉल्व एग्जांपल्स। अब सॉल्व एग्जांपल्स वैसे तो थ्योरी के इमीडिएट बाद होते हैं, लेकिन मेरा इसका करने का तरीका थोड़ा अलग रहता था। मैं सॉल्व एग्जांपल्स को ओनली एज पर नीड करता था, जिस चैप्टर में मेरा बेसिकली सारे थ्योरी इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइजेस सिंगल करेक्ट एटलीस्ट हो जाते थे, मैं सॉल्व एग्जांपल्स को उसके बाद जितना टाइम मेरे पास बचता था मैं उसके अकॉर्डिंग करता था। तो आप भी ऐसे फॉलो करेंगे तो बेटर रहेगा, कि मैंने देखे सॉल्व एग्जांपल्स जनरली आपके जे एडवांस के मीडियम और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस के लेवल के रहते हैं, कुछ आसान सॉल्व एग्जांपल्स भी रहते हैं, मैं नहीं कह रहा कि सारे मुश्किल रहते हैं, जनरल ट्रेंड मैंने ये ऑब्जर्व किया है। बाकी फिर आते हैं आपके सिंगल करेक्ट एक्सरसाइजेस। सिंगल करेक्ट एक्सरसाइज देख सकते हैं आपने, वैसे तो मैंने बहुत ही ज़्यादा गंदा कर रखे है इस बुक को, क्योंकि मैंने सॉल्विंग ही इतनी ज़्यादा की थी इसकी। अब मैं क्या बताऊँ, मैं कोई और चैप्टर फॉर एग्जांपल लेके देख लेता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अब मैं आपको दिखाता हूँ सिंगल करेक्ट एक्सरसाइजेस। तो वो जो होती है आपकी बेसिकली जेई मेंस लेवल से भी नहीं, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल से शुरू होती है मैं तो कहूँगा, और आपके बिल्कुल जेई एडवांस्ड के टॉप नॉच लेवल तक इसे कवर अप कर लेती है। आपको बहुत ज़्यादा आसान से लेकर बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। और सिंगल करेक्ट एक्सरसाइजेस तो मेरी सेंगेज की फिजिक्स और मैथ्स में वन ऑफ दी फेवरेट रही है, ये तो आपको करनी ही करनी है, मैं कह रहा हूँ कंपलसरी, इलस्ट्रेशंस और सिंगल करेक्ट एक्सरसाइजेस। बाकी फिर आते हैं मल्टी करेक्ट आंसर्स टाइप। एक बार सबसे पहले आपने कर दिए इलस्ट्रेशंस, फिर आपने कर ली सिंगल करेक्ट एक्सरसाइजेस, फिर आपने करने सॉल्व एग्जांपल्स। अब जब आपके ये तीन हो जाए तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके जे एडवांस में अंडर 10 के रैंक तो फॉर गारंटीड पक्का हो ही गया। इसके बाद आपके जितना टाइम बचता है तो फिर आप बाकी एक्सरसाइजेस को भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस मुश्किल लगते हैं तो आप कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए इसमें से। मल्टी करेक्ट किसी को मुश्किल लगते हैं तो मल्टी करेक्ट को प्रैक्टिस कीजिए। और जब आपने बेसिकली सिंगल करेक्ट और सॉल्व एग्जाम्पल्स भी कर लिए तो आप आगे का जो भी प्रैक्टिस करें उसे टाइम बेस्ड मैनर में जेई एडवांस की प्रॉब्लम समझ के भी कर सकते हैं, क्योंकि लेवल तो और क्वालिटी इनमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस की इतनी अच्छी है कि कभी कभार तो मैं भी शुरुआत में देख के कंफ्यूज हो जाता था कि इतने सारे क्वेश्चंस इतनी अच्छे लेवल और क्वालिटी के कैसे दिए हो सकते हैं। बाकी ये ही तो इस बुक की स्पेशलिटी है। तो फिजिक्स और मैथ्स की तो आपको सेंगेज की बुक जरूर लेनी चाहिए, और ऐसे करेंगे तो आपको आपके लिए बेस्ट रहेगा, कि मैंने पर्सनली भी ऐसे किया था। अब फिजिक्स और मैथ्स का तो आपको ऐसे करने मैंने बता दिया। केमिस्ट्री की बुक थोड़ी सी सेंगेज की स्पेशल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखी गई है, लेकिन अगर आप इसे स्मार्ट तरीके से करेंगे तो ही आप इसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पूरी सेंगेज की केमिस्ट्री की बुक करना चाहेंगे तो आप MSc PhD तो आपने करना नहीं है, आपने JEE करना है। तो इसमें आपको सेलेक्टेड चीज़ें करनी है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है।
सबसे पहले केमिस्ट्री की बुक का एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, उसमें आपको ओवरव्यू दिया होता है पूरे चैप्टर का, लेकिन ये ओवरव्यू आपको थ्योरी पढ़ने के बाद रिविजन के लिए करना है। फिर आपको दी होती है थ्योरी, अब थ्योरी जो है सेंगेज की आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से दी करनी होती है, आपको जल्दी जल्दी क्विक रीडिंग करनी है, वो भी अगर आपके पास टाइम हो। सबसे पहले केमिस्ट्री की थ्योरी के लिए या तो आपको कोई कंसाइज बुक को फॉलो करना है या फिर अपने टीचर के लेक्चर नोट्स को फॉलो करना चाहिए। सेंगेज की थ्योरी पे 100% रिलाई आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि थ्योरी है तो बहुत ज़्यादा अच्छी, लेकिन क्या आपके पास इतना टाइम है? अगर टाइम है तो आप इसे पूरा कर लेंगे तो आपकी थ्योरी मोर देन सफिशिएंट हो जाएगी, बाकी आपको टाइम के अकॉर्डिंग देखना है। इलस्ट्रेशंस भी टाइम के अकॉर्डिंग है, क्योंकि बहुत सारे दिए होते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आपको वो भी करने चाहिए। सिमिलर टू कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज, मैं कहूँगा केमिस्ट्री की आप कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस को छोड़ भी सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपको किसी टॉपिक में उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी फिर आते हैं हमारे सिंगल करेक्ट एक्सरसाइज आपको सेंगेज की कर लेनी चाहिए, कि वो टॉपिक वाइज होती है। जैसे जैसे आपके कोई टीचर टॉपिक कराते जा रहे क्लास में, मैं कहूँगा कि आप उसी टॉपिक की कॉन्सेप्ट सिंगल करेक्ट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे एन अवस्थी सर की बुक फॉलो कर रहे हैं, वो ये वाली एक्सरसाइजेस को भी छोड़ सकते हैं, या तो आप नरेंद्र अवस्थी सर की जो बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री में, आप वो फॉलो कर लीजिए, सिमिलर टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ऑल्सो, या फिर आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं, दोनों में आपके पास एक ऑप्शन रहती है, आप दोनों बुक्स इक्वली गुड है। एक जो चीज़ मुझे केमिस्ट्री की बुक की अच्छी लगी काफ़ी, वो ये है इसके सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको अनलाइक फिजिक्स एंड मैथ्स, इसमें जेई मेन्स के भी होते हैं और जेई एडवांस लेवल के भी होते हैं और सारे लेवल्स के होते हैं, और काफी अच्छे सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से डेवलप कर रहे होंगे। तो सॉल्व एग्जांपल्स ये एक चीज है जो इस बुक की मेरी तरफ से आपके लिए करनी कंपलसरी है, सॉल्व एग्जांपल्स मुझे इसके बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं। बाकी सिमिलर तरीके से आप पूरी बुक को करेंगे तो आपका जे एडवांस में टॉप रैंक कोई नहीं छोड़ सकता, और मैं भी वेट कर रहूँगा आपको आईआईटी दिल्ली में ही देखने की। आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, किन्हीं भी टॉप आईआईटीज को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं इन बुक्स को करके। बाकी एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको इसी बुक के रिव्यू वीडियो में गाइड कर देता हूँ, ये है कि एक बुक तो आपको एक डिसेंट लेवल तक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स की कराई देगी, बट जो फाइनल डे पे एग्जाम में मैटर करते हैं वही आप करते हैं कि आप कैसे अप्लाई करके उस कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी एग्जाम पैटर्न में फॉलो करते हैं, और वो आपका बेसिकली डिटरमाइन होता है कि आपने कितने मॉक टेस्ट सॉल्व किए अपने जेई प्रिपरेशन में, ताकि आप फाइनल एग्जाम डे पे अच्छे से आउटपुट निकाल पाए। तो मॉक टेस्ट के लिए वैसे तो जेई एडवांस की काफी सारी बुक्स आती है, हमने भी ऑलरेडी टेस्ट पेपर्स को काफी सारे रिव्यू किया हुआ है, आप कोई भी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है ये। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो एलन की स्कोर टेस्ट सीरीज भी अच्छी है, फिजी की एआईटीएस भी जेई एडवांस के बच्चों के लिए अच्छी है, जेई मेंस के बच्चों को एलन की स्कोर और जेई फिजी की दोनों ही नहीं करनी चाहिए, ये दोनों टेस्ट सीरीज आप जेई एडवांस के लिए फॉलो कर सकते हैं। और जेई मेंस के लिए तो काफी सारी मॉक टेस्ट बुक्स आती है डिफरेंट पब्लिकेशंस की, ओसवाल की पब्लिकेशंस की बुक मुझे रिलेटिवली थोड़ी सी बेटर लगी, क्योंकि उसमें आपको माइंड मैप्स, निमोनिक्स वगैरह भी दिए होते हैं, आप वो कर सकते हैं। इन सब का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उधर से जाके इन सब चीजों को मैक्सिमम डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं। और मैं कहूंगा ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन, और अगर चाहो ऐसे और हेल्पफुल और रिसोर्सफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय।